नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम गया जिले के बेलागंज प्रखंड में हैं और हमारे साथ यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं चिरौला पंचायत के जितेंद्र कुमार जी, जो कि हमारे साथ हैं। क्या कुछ बीते 18 से 20 महीनों में पंचायत में विकास का काम हुआ है, हम उनसे बात करते हैं। जितेंद्र जी, सबसे पहले आपको लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल हम नल जल योजना पर हम करेंगे। नल जल योजना की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? ठीक है सर, नल जल जो योजना है ना मेरे के यहाँ, सब ठीक है, चल रहा है। कहीं कहीं कोई टूटा फूटा का उस शिकायत आता है तो उस पर कोई एक्शन लेकिन लेते नहीं हैं जल्दी। कुछ महीनों पहले पीएचडी को सौंप दिया गया है, क्या लग रहा है कुछ सुधार हुआ है पीएचडी वाले? नहीं, कोई सुधार नहीं हुआ। आप लोग शिकायत करते हैं? हाँ करते हैं, मीटिंग में हम लोग बोले हैं, लोग का मीटिंग था 10 दिन पहले, मीटिंग में बोले थे खड़ा होकर हम लोग कि ये सुनते नहीं है जय साहब। कुछ निष्कर्ष होता है? नहीं, जहाँ पर कहना है सर मेरा कि अगर हम शिकायत किए कि यहाँ पर मोटर खराब हो गया, मोटर जल गया, तो उस पर तो सुनवाई करते हैं कि मोटर तुरंत बदल करते हैं, लेकिन बोलते हैं कि टोला में नहीं जा पा रहा है पानी क्योंकि पाइप लीकेज है, उसमें नहीं सुनते हैं। वैसे स्थिति में आप जनता से कैसे रूबरू होते हैं? क्योंकि जनता अभी भीषण गर्मी है, मई जून का महीना चल रहा है और भयानक गर्मी है इसी महीने में पड़ता है, तो कैसे जनता को आप समझा रहे हैं? खुद हम मिस्त्री भेजते हैं सर, अपना मेरा मिस्त्री है स्पेशल जो काम करता था पहले भी, अभी काम कर उसको भेजते हैं, अब भेज के ठीक कराते हैं। राशन की क्या स्थिति है, राशन से इसे मिल रहा है? हाँ राशन मिलता है, ठीक है। राशन कितना डीलर है आपके? 4 डीलर है मेरे के यहाँ। कितना कार्ड कुल बना होगा आपके यहाँ पंचायत? कार्ड करीब मेरे ख्याल से 2400-2500 कार्ड है मेरे के यहाँ बना। वजन को लेकर के पब्लिक की शिकायत भी आती है क्या? नहीं, ऐसा कोई शिकायत नहीं है वजन के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना? हाँ मिला है। कितना लोगों को मिल चुका है? करीब SC ST मिला करके 135-140 मिला है और सामान्य 65। उसमें दलाल प्रवृत्ति के भी लोग हैं क्या जो लाभुकों से पैसे की मांग वगैरह करते हैं? चिरेला शिकायत पब्लिक का? नहीं नहीं, चिरेला पंचायत ऐसा नहीं होता है, वो नहीं, कोई दलाल है ही नहीं कोई, जो ऑल टू ऑल हमारा जो हैं सहायक इंद्रवा सहायक, उनको भेजते हैं उनके पास सुबह वगैरह फ़ोटो वगैरह उस पर जाकर करते हैं। हम खुद बोलते हैं कि किसी को पैसा नहीं देना है, आपका काम हो जाएगा, संतुष्टि हो जाइए, उसका फिर हमको बताइए कि हाँ हम ठीक है मुखिया जी, कोई पैसा उसे नहीं लिया हमसे, पैसा देना। PCC वगैरह करवाए हैं पंचायत? करीब 3500 फीट पैसे से हुआ है मेरे के यहाँ। क्या लग रहा है, लगभग 2.5 से 3 साल का समय आपके पास रह गया है, इसी में पंचायत का विकास करना है, कैसे क्या करने वाले हैं इस 3 सालों में? नहीं, और भी सर, और भी बहुत समस्या है, नली गली का वो भी बहुत ज़रूरी है देखना और बनाना, कहीं कहीं पानी बह रहा है सही, तो वहाँ पर नली का समस्या है, वहीं बनना बहुत जरूरी है। बहुत सर बाकी है भी, किसी किसी गाँव में बाकी है। क्या कहेंगे सरकार से, क्या मांगे हैं विशेष तौर पर आपको विकास को लेकर? नहीं, सरकार से हम यही आग्रह करेंगे, विनती करेंगे सर, कहेंगे कि पंचायत पर स्पेशली थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि पब्लिक हमसे डायरेक्ट बोलते हैं, क्योंकि विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं, डायरेक्ट नहीं बोल पाते हैं, लेकिन एक मुखिया जी ऐसा जरिया है जो डायरेक्ट आकर बोलते हैं, वो सुनना पड़ता है, हमेशा उनके बीच में रहते हैं, हम लोग का ही मान सम्मान अपना सरकार भी रखें, हम लोग की बात सुने और ध्यान देने का काम करें ताकि नली जली बाकी न रहे। चलिए, थे जितेंद्र कुमार जो कि मुखिया हैं चिरौला पंचायत के, जो कि बेलागंज प्रखंड के मुखिया प्रतिनिधि मुखिया हैं, जिन्होंने अपने पंचायत के विकास को लेकर के कई सारी योजनाओं पर काम कर रहे हैं और आगे भी करते आएंगे। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।